हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं बनाने जा रही हूँ आलू और केले की सब्जी। तो ये है कच्चे केले, तो इसे हमने इस तरह से छील लिया है। तो इसे हम इस तरह से छील लेंगे, इसके छिलके हम निकाल लेंगे। तो ये बहुत आसानी से चाकू से निकल जाते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम छील कर इसे कट कर लेंगे। तो ये देखिए, इसके छिलके हम छील चुके हैं, तो इसे अब हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसे, ये है केले, तो इसे हमने कट कर लिया। अब इसे हम तेल में तल कर निकाल लेंगे बाहर। तो यहाँ पे हमने ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम ऑयल को गर्म कर लेंगे, फिर केले को इसमें सेक लेंगे। तो आप चाहे डीप फ्राई कर लें या फिर आप इसे सेक कर भी निकाल सकते हैं। तो हम इसको सेक कर निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें अपने केलों को डाल देते हैं। तो इस तरह से हम केले को तलने के लिए इसमें डाल देते हैं सेकने के लिए, और इसे पलट पलट कर सेक लेंगे। तो तेल को अच्छे से गर्म करें फ्रेंड्स, इससे केले चिपकेंगे नहीं। अगर तेल गर्म नहीं रहेगा तो इसमें केले चिपक सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे हम थोड़ा हल्दी छिड़क देते हैं, हल्दी से ये चिपकेगी नहीं, हल्दी को छिड़क देने से। तो देखिए फ्रेंड्स, ये अभी तेज आंच में हम सेक रहे हैं इसे। और यहीं पे हम आलू को भी ऐड कर देंगे, तो आलू भी साथ में सिकेगी। तो यहाँ पे हमने दो आलू लिया है। तो ये हमारे कच्चे केले और आलू की सब्जी बना रहे हैं फ्रेंड्स हम। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम प्याज लहसुन और टमाटर का पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने एक टमाटर लिया है और एक प्याज और 8-10 कलियाँ लहसुन लिया है। तो इसे हम अभी पीस लेते हैं फ्रेंड्स। हमारे आलू और केले भून रहे हैं, तो यहीं पे हम टमाटर लहसुन और प्याज का जो पेस्ट बनाया था उसे भी ऐड कर देंगे, और साथ में इसे भी अच्छे से भूनेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, तो इसे हम अब बहुत अच्छे से भुनेंगे प्याज और लहसुन का कच्चापन जाते तक। फ्रेंड्स, हमारी सब्जी से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, तो यहीं पे हम अभी नमक को ऐड कर देंगे। तो नमक हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। तो ये हमने नमक ऐड कर दिया। अब यहीं पे हम धनिया का पाउडर और मिर्ची भी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हम मिर्ची का पाउडर ऐड कर रहे हैं। तो मिर्ची हमने 1 टीस्पून लिया है, और इसे मिक्स कर लेते हैं। तो हमारा केला बहुत अच्छे से सीख चुका है। इसे थोड़ी देर और भुनने देते हैं हम। तो हम धनिया का पाउडर भी ऐड कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे केले और आलू बहुत अच्छे से भुन चुके हैं। तो इसे हम थोड़ी देर हल्का सा और भुन लेते हैं, उसके बाद इसमें पानी ऐड कर देंगे। तो हमारा केला और आलू का सब्जी बनकर तैयार हो चुका है। ये बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। तो ये कच्चे केले को आप इस तरह से बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम इसमें पानी को ऐड कर देंगे। तो हम इसे रस वाली बना रहे हैं सब्जी को, तो हमने इसमें पानी डाल दिया है। तो आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उसके हिसाब से आप इसमें पानी ऐड करें।
तो इसे हम थोड़ा एक दो उबालने देते हैं, फिर उसके बाद ये बनकर तैयार हो चुकी है फ्रेंड्स। तो आप भी इस तरह से केले और आलू की सब्जी बना सकते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, मेरे केले और आलू की सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। तो हमने इसे ग्रेवी वाली बनाई है, आप सूखा भी बना सकते हैं। तो यहीं पे हम धनिया को ऐड कर देते हैं और इसे भी मिला लेते हैं। तो इस तरह से हमारे केले और आलू की सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और आपको ये रेसिपी कैसी लगी है आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और मेरे चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।